हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिताज किचन। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए सूजी का चीला। इसको आप बेस्ट चीला भी बोल सकते हैं, बेजीज बहुत ज़्यादा यूज होती है इसमें। और जब भी आप हल्की भूख हो कभी भी और जल्दी नाश्ता बनाना चाहते हो तो ये 5 मिनट में बनकर झटपट तैयार हो जाता है, तो ये क्विक रेसिपी भी है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने लिया एक प्याज, एक टमाटर और यहाँ थोड़ा सा खीरा कट करके रखा हुआ है, और ये है अदरक और एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया पत्ती कटी हुई, और ये हमारी सूजी। आप जितने ज़्यादा बेजीज ले सकते हैं, जो भी लेना चाहें, जैसे शिमला मिर्च लेना चाहते हैं, गाजर लेना चाहते हैं, गोभी लेना चाहते हैं, कुछ भी है, जो भी लेना चाहें कट करके चॉप्ड करके रख लें। यहाँ थोड़ा सा घी लिया है मैंने, एक कटोरी दही। इन इन्ग्रीडियंट के साथ बनाएंगे, बहुत ज़्यादा सामान हमें चाहिए नहीं। एक बाउल में हम यहाँ डालेंगे अपनी सूजी और उसमें डाल देंगे हम दही अपना, और इन चीज़ों को हम दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक बैटर हमें तैयार करना है चीले के लिए, तो हम सूजी इसमें दही में मिला लेंगे, घोल बनाएंगे अच्छा सा, उसमें सारी बेजीज डाल देंगे। बेजीज आप अपने पसंद से डाल सकते हैं, जो भी बेजीज आपको पसंद है, सबसे ज़्यादा सब्जियाँ वो सब्जियाँ आप यूज कर लें इसमें। जितनी ज़्यादा सब्जियाँ होंगी उतना ज़्यादा हेल्दी होगा। यहाँ पर मैंने अपनी सारी खीरा, प्याज, टमाटर, अदरक, हरी मिर्च और धनिया पत्ती सारी सब्जियां डाल दी हैं, और इनको आपस में हम अच्छे से मिला लेंगे। बहुत ज़्यादा मसाले इसमें यूज़ नहीं होते, इसलिए काफ़ी हेल्दी होता है। सब्जियां पड़ी होती हैं इसलिए हम इसमें डाल देंगे अब नमक 1 चम्मच और थोड़ी सी काली मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच डालेंगे इसमें जीरा, साबुत जीरा डालेंगे हम इसमें। थोड़ा इससे डाइजेस्टिव भी हो जाता है, काफ़ी अच्छा होता है जीरा भी हमारे पाचन के लिए, तो हम इसमें जीरा ज़रूर से डाल दें थोड़ा सा। अब इन चीज़ों को हम मिला लेंगे। अगर आपको बैटर थोड़ा गाढ़ा लगे इसमें थोड़ा पानी डाल दें, मैं यहाँ थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए। ये देखिए अभी एक अच्छा सा घोल बनके तैयार हो जाएगा। हमें इसी तरीके का बैटर बनाना है, इस कंसिस्टेंसी का, दिख रहे हैं ना आप, इस कंसिस्टेंसी का होना चाहिए। बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए, एकदम रनी नहीं होना चाहिए। इस कंसिस्टेंसी का रहेगा तो तवे पर फैलाने में हमें आसानी होगी। रेडी है हमारा, 10 मिनट के लिए रख देते हैं हम। अब आ जाएंगे यहाँ पर, 10 मिनट हो चुके हैं, मैंने एक तवा गरम किया है इसको, और 1 चम्मच घी लगा के हम इसको ग्रीस कर लेंगे अच्छे से। फ्लेम लो ही रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम ना करें, लो मीडियम पर ही हमें ये सेकना है। तवा मैंने ग्रीस कर लिया है, अब हम एक बड़े चमचे की सहायता से इस पर अपना बैटर फैलाएँगे पतला पतला। इसमें बेजीज कटी हुई पड़ी हुई हैं तो ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल इवनली चारों तरफ स्प्रेड हो जाए इस तरीके से हमें ये फैलाना है, और एक शेप देनी है बढ़िया सी, गोल सी हमें चीला जैसी। बहुत टेस्टी लगता है ये सूजी का चीला। ये देखिए मैंने चारों तरफ इसको फैला दिया है बहुत अच्छे से। एक बार फैलाने के बाद फिर हम इसे टच नहीं करेंगे और कंटिन्यूअसली इसे लो फ्लेम पर 5 मिनट ऐसे सिकने देंगे जब तक कि इसकी ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती। ये देखिए अब मैंने इसे सिकने के लिए छोड़ दिया है। जब ये ऊपर वाली लेयर ट्रांसपेरेंट हो गई है मेरी, अब इस पर मैं 1 चम्मच ऑयल डाल देती हूँ, अच्छे से पक जाएगा, फिर हम इसे पलट लेंगे। बहुत आसानी से पलट जाता है ये, बिल्कुल नहीं चिपक, नॉन स्टिक पर चिपकता नहीं है, बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होता है, आराम से पलट जाता है ये, देख रहे हैं आप, कोई भी बना सकता है, इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होती, एकदम क्रिस्पी दोनों साइड से। हम इसे इसी तरीके से सेक लेंगे, बस रेडी हो जाएगा हमारा 5 मिनट में बनने वाला झटपट वाला नाश्ता। कोई भी बना सकता है, किसी हल्की भूख में हम इसे कभी भी खा सकते हैं। ये देखिए सिक गया है मेरा ये चीला दोनों साइड से, आप देख रहे हैं बिल्कुल भी ये चिपका नहीं है, दूसरी साइड भी दबा दबा के इस तरीके से हम इसे सेक रहे हैं। चलिए रेडी है ये, देख लीजिए दूसरी तरफ भी सिक चुका है बहुत अच्छे से, गोल्डन क्रिस्प से इस पर स्पॉट्स आ गए हैं। चलिए मैं इसे निकाल लेती हूँ प्लेट पर तब तक, और दूसरा चीला भी हम इसी तरीके से सेक लेते हैं। रेडी है सर्व करने के लिए हमारा एक सिक गया। अब मैं इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा चीला सेक रही हूँ। थोड़ा सा घी लगाएंगे, बहुत ज़्यादा घी नहीं लगाएं, थोड़ा सा घी लगाएंगे तब भी बहुत आसानी से सिक जाता है ये कम घी में। ये डाल दिया हमने बैटर। जब भी आपका बैटर फूल जाए और उस आपको लगे थोड़ा गाढ़ा हो रहा है तो 1-2 स्पून पानी डाल के उसकी बैटर की कंसिस्टेंसी को मेंटेन जरूर रख लें, आराम से ये बन जाता है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं होती। चम्मच से हम बड़े चम्मच से घोल डालें इस तरीके से, आराम से फैल जाता है ये, थोड़ा सा शेप दे दें इस तरीके से, फैला लें और इसको बिना टच करे आराम से सिकने दें, और दूसरी साइड पलट कर दोनों साइड सेक लें, फटाफट से बन जाता है ये, बहुत ही इजी रेसिपी होती है। दोस्तों ये सिक रहा है जब तक, अगर आपने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब करिए चैनल को,
और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो मिलती रहे। इसी प्रकार की झटपट बनने वाली स्पेशल रेसिपीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी। और कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने सुझाव मुझे बताएं जाकर। चीला हमारा सिक गया है, रेडी है, ये दोनों साइड से सेक लिया है मैंने। अब मैं इसे सर्व कर देती हूँ दोस्तों, प्लेट आउट करती हूँ मैं इसको। देखिए आज ही खाइए और बनाइए अपने घर में, एंजॉय करिए ये रेसिपी। ये देखिए गोल्डन हो गया एकदम, मैं निकाल देती हूँ इसको प्लेट पर। आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ, कोकोनट चटनी के साथ, टोमेटो केचप के साथ, चाहे जैसे इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़े लोगों को सॉफ्ट होती है तो काफ़ी पसंद आती है, और इसमें बेजीज होती है इसलिए काफ़ी हेल्दी रहती है।